धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी सहित कई पदों पर रह चुके राम सनेही गौतम ने बताया कि कुछ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता व मंत्रीगण नहीं संभाल पाए अपने समाज के लोगों को, उसमें हमारे जनपद भदोही के भी एक मंत्री का भी रहा भरपूर योगदान। बीएसपी की मुखिया ने अपने शासनकाल में विधायक, मंत्री, निगम आयोग, शासकीय अधिवक्ता, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य के रूप में हजारों लोगों का बढ़ाया सम्मान। मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज बसपा की तरफ रुख करे तो क्यों? मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी नेता रणिया बहन जी ने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया, भाईचारा के तहत जोड़ा, कई सैकड़ों विधायक हमारी पार्टी से जीते, सांसद भी हुए, माननीय बहन जी ने उन्हें 2 दर्जन तक मंत्री भी बनाए, कितने अधिवक्ता बनाए। हम लोग तो ब्राह्मण समाज को सम्मान ही देते आए। जो भी ब्राह्मण समाज जो हमारे मंत्री रहे हैं, हम दूसरे को नहीं बताना चाहते, हमारे ज़िले से एक माननीय मंत्री जी रहे हैं रंगनाथ मिश्रा साहब, जो अपना समाज नहीं जोड़ पाए इसलिए समाज उनका साथ नहीं दिया। हम तो हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने हरदम ब्राह्मण समाज को सदैव अपने साथ जोड़ती रहती हैं, सम्मान देना चाहती हैं। अभी जो जिस तरह ब्राह्मण समाज पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, बहन जी को पीड़ा हुआ, बहन जी ने मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके बोली बहन जी कि गलत हो रहा है ब्राह्मण समाज के साथ, तो बहन जी तो हरदम सम्मान देती हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं? वर्तमान में ब्राह्मण समाज नेतृत्व विहीन है, इस पे क्या कहेंगे आप? हम तो भाई ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज में जो भी घटनाएं घट रही है, हमारी नेता आदरणीय बहन जी उनको तो चाहती है कि हमारे साथ आए, हम उनकी लड़ाई लड़ें, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ी। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है और हर एक लड़ाई के साथ में हम लोग लड़ेंगे। अगर मैं पूछूं क्या इस बार सतीश चंद्र मिश्रा जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? आदरणीय महन जी ने उन्हें उत्तरांचल का मुख्यमंत्री तो बोल ही दिया, राज्यसभा और राज्यसभा इस समय तो सर्वे सर्वा बहन जी के बाद उन्हीं कारभार संभाले हैं, देख भी रहे हैं। 15 साल से राज्यसभा और 15 साल से राज्यसभा भी हैं, 3 बार एडवोकेट जनरल और 3 बार एडवोकेट जनरल भी हैं। बहन जी ने तो सम्मान ब्राह्मण समाज को दे ही रही हैं। इंडिया पोस्ट न्यूज पे आपका स्वागत है, धन्यवाद। हमको इतना समय दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है।